हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के फिनाले को अब कुछ ही दिन बाकी है और घर से एक के बाद एक एविक्शन हो रहे हैं। वहीं अब एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर गीतांजलि सक्सेना ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के विनर का प्रेडिक्शन किया है। वेल, अब देखते हैं कि उन्होंने आखिर किसका नाम लिया है। बिग बॉस ओटीटी 3 के फिनाले में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और बैक टू बैक एलिमिनेशन हो रहे हैं। वहीं इसके बाद अब घर में सिर्फ 7 सदस्य बचे हैं। इनमें लवकेश कटारिया, सना मकबूल, रणवीर शौरी, अरमान मलिक, नैजी, कृतिका मलिक और साई केतन राव का नाम शामिल है। विनर की ट्रॉफी के दावेदारों की बात करें तो इस रेस में लवकेश, सना, रणवीर और अरमान के नाम शामिल हैं। हालांकि बिग बॉस एक ट्विस्ट से भी कभी भी शो की बाजी को पलट सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि शिवानी कुमारी और विशाल पांडे जब से घर से बेघर हुए हैं, उसके बाद से जनता भी समझ चुकी है कि मेकर्स कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसे में बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी किसके हाथों में जाएगी, ये जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं इस बीच एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर ने एक भविष्यवाणी करते हुए बता दिया है कि शो का विनर कौन होने वाला है। जी हाँ, मशहूर एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर गीतांजलि सक्सेना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रेडिक्ट किया कि इस बार बिग बॉस ओटीटी 3 का विनर कौन हो सकता है। बता दें कि इससे पहले गीतांजलि ने पायल मलिक और चंद्रिका दीक्षित का एविक्शन भी प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके सेलेब्स को लेकर कई प्रेडिक्शन सच साबित हो चुके हैं। उन्होंने अल्विश यादव की कंट्रोवर्सी को भी प्रेडिक्ट किया था और इसके अलावा विशाल पांडे को लेकर ये भी कहा था कि अगर वो गेम में बच कर नहीं रहे तो जुलाई के महीने में उनके नाम एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी। वहीं अब गीतांजलि सक्सेना ने बिग बॉस ओटीटी 3 के विनर को लेकर उसके नाम का खुलासा कर दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस बार रणवीर शौरी विनर की ट्रॉफी को हासिल कर सकते हैं, उनके अंदर विनर बनने की पूरी क्वालिटीज हैं। एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा कि उन्होंने बिग बॉस हाउस में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स के टैरो कार्ड पढ़े थे और इनमें सबसे अच्छा कार्ड रणवीर शौरी का ही आया था। अगर वो अपने अंदर कुछ बदलाव करते हैं तो वो इस सीजन के विनर बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि सक्सेना ने कहा कि रणवीर शौरी को अपने अंदर 3 बदलाव करने होंगे। उन्हें सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू करना होगा, अपना एटीट्यूड बदलना होगा और जनता को खुद का इमोशनल साइड भी दिखाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रणवीर को अपनी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने टॉप 5 में शिवानी कुमारी का नाम भी बताया। गीतांजलि ने कहा कि अगर शिवानी अपने बर्ताव में थोड़ा सा बदलाव कर लेती तो आज वो टॉप 5 में शामिल होती। वेल, गीतांजलि की प्रेडिक्शंस में कितनी सच्चाई है ये तो हमें कुछ ही दिन में मालूम पड़ जाएगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन।